हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। ये वीडियो के अंदर मैं आपको 11th स्टैंडर्ड का सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेना है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो वी विल स्टार्ट नाउ। ये जो आपका ऑनलाइन एडमिशन है इसको तीन स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो 26 जुलाई को स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट वन जो 1st अगस्त से शुरू होगा, ऑप्शन फॉर्म पार्ट टू जो जिसकी डेट जो है बाद में आपको इन्फॉर्म की जाएगी। तो ऐसे तीन स्टेजेस में आपके ये एडमिशन होंगे। सो फिलहाल तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह जनरेट कैसे करना है उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। नाउ जब भी आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके लिए आपको तीन चीजें प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी, रेडी करके रखनी पड़ेगी। एक तो आपका 10th का सीट नंबर क्या है, आपका जो भी हॉल टिकट होगा वो ढूंढ के रखना, उसके ऊपर से एग्जैक्ट जो भी आपका सीट नंबर है वो आपको वहां पे एंटर करने के लिए लगेगा। मोबाइल नंबर जो परमानेंट मोबाइल नंबर आप यूज करते हो, बार बार आपको मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है, बिकॉज मोबाइल नंबर जो होता है ये सब चीजों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर होगा वो आप लोग क्या करोगे, उसको रेडी करके रखोगे। और ईमेल आईडी फिलहाल तो ऑप्शनल है, बट ईमेल आईडी रहेगा तो बेटर है, नहीं होगा तो आप एक सिंपल सा ईमेल आईडी क्रिएट करो। ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, सो 10th का आपका सीट नंबर, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये तीनों चीजें आपको रेडी करके रखनी है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, फर्स्ट स्टेज के लिए। फिर बाद में आपको मैंने यहाँ पे दो वेबसाइट्स दिए हैं, ये दो वेबसाइट्स के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। ज्यादातर आपको ये फर्स्ट वेबसाइट पे जाना है। ओके, अगर आप मुंबई से बिलोंग कर रहे हो तो डायरेक्टली आप मुंबई का एक वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हो। ये फर्स्ट वेबसाइट पे अभी हम लोग फिलहाल जाके देखेंगे कि फर्स्ट वेबसाइट और ये मुंबई का वेबसाइट मैंने क्यों अलग अलग दिया है। ओके, और ये दोनों भी वेबसाइट में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, तो वहां से आप देख सकते हो ये लिंक के बारे में। सो अभी हम लोग ऑनलाइन जाते हैं और अभी हम लोग अपना एडमिशन शुरू करते हैं। सो मैं यहां से क्लिक कर रहा हूं, वो लिंक जो मैंने दी है उसके ऊपर आप डायरेक्टली क्लिक करो और आप ऐसे वेबसाइट पे चले जाओगे। ना वेबसाइट पे जाने के बाद में यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे आपको देखो 6 जगह दिए हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर, नाशिक, औरंगाबाद और अमरावती। इसमें से आप कौन से एरिया में आते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप मुंबई में आ रहे हो तो मुंबई में क्लिक करो, पुणे एरिया से बिलोंग करते हो तो वहां पे क्लिक करो, नागपुर से हो तो नागपुर। ओके, मुंबई की मैंने रेडी लिंक वहां पे दी हुई है, वैसे ही पुणे की भी लिंक है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो फिलहाल तो मैं मुंबई के लिए, अगर सपोज आप मुंबई से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पे आप मुंबई पे क्लिक कर रहे हो। मुंबई के ऊपर क्लिक करने के बाद में इसको आपको क्रॉस करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको बताया प्रोसीजर कैसे करना है मराठी में, तो आप इसको क्लोज कर दो। ये विंडो आपका ओपन हुआ। अभी हर एक जो एरिया है हर एक एरिया का आपका विंडो सेम ही दिखेगा। पुणे का अगर आप क्लिक करोगे तो भी यही ऐसा ही आएगा, नागपुर का क्लिक करोगे तो भी ऐसा ही आएगा, अमरावती का भी ऐसे ही स्क्रीन आएगा। सो मैंने फिलहाल मुंबई का ये किया, तो देखो यहाँ पे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन करके आया हुआ है। ये विंडो आने के बाद में आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये विंडो ऐसे आपके सामने आएगा। ओके, ना यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरना है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ, एप्लीकेंट स्कूल एरिया, आपका स्कूल एरिया कौन सा है। सो आप जहां पे रहते हो वहां का ही आपका स्कूल एरिया है, तो विद इन MMR एरिया इसको आप क्लिक कर सकते हैं। विद इन MMR एरिया मतलब विद इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, मतलब मुंबई में ही रहते हो और वहां पे आपका स्कूल एरिया है। आउटसाइड MMR एरिया मतलब क्या कि आप जहां पे रहते हो वहां से आपका स्कूल एरिया दूसरा है, तो वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। ओके, और अगर महाराष्ट्र के बाहर अगर आपका ये है स्कूल है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो कुछ बच्चे जो होते हैं महाराष्ट्र के बाहर से बाद में यहाँ पे आते हैं अपने फर्दर एजुकेशन के लिए, तो वो लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सो हम लोग अज्यूम करते हो कि आप सेम ही एरिया में रहते हो और सेम ही एरिया में आपका स्कूल है, तो विद इन MMR एरिया। वैसे सेम पुणे का भी यही सेम चीज रहेगा आपका, कि आप पुणे के अंदर रहते हो तो ये क्लिक करो, पुणे के बाहर रहते हो तो ये क्लिक करो, और महाराष्ट्र के बाहर रह रहे हो तो ये। तो हर एक एरिया के लिए ऐसे ही आपको कॉलम्स आएंगे। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे कि मैं सेम एरिया में हूँ और मेरा स्कूल भी सेम एरिया में, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। फिर एप्लीकेंट स्टेटस, एप्लीकेंट स्टेटस में भी तीन चीजें दी है। पहला है फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम क्लियर किए हुए हैं मार्च 2020 में, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। अगर सपोज आपने पहले कुछ सब्जेक्ट क्लियर किए थे, 2 सब्जेक्ट पहले क्लियर किए थे और बाकी के सब्जेक्ट अभी क्लियर किए हैं, तो आपने रिपीटर एग्जाम दी हुई है, तो
उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। और अगर सपोज आपने कभी 2018 में, 2017 में, 2015 में कभी एग्जाम पास किया था पर 11th का एडमिशन उसके बाद में नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ओके, सो फ्रेशर मतलब जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्च 2020 में एग्जाम क्लियर किया है वो लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिन्होंने 2-3 हिस्सों में अपनी एग्जाम क्लियर किए वो रिपीटर में जा सकते हैं, और जिन्होंने प्रीवियसली कुछ साल पहले या लास्ट ईयर वगैरह उन्होंने ये किया था, एग्जाम पास किया था, तो वो लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल तो हम लोग समझ रहे हैं कि आपने फ्रेशर होकर के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने ये एग्जाम क्लियर किया है। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है ना, अलग अलग बोर्ड के नाम यहाँ पे दिए है, SSC मतलब आपका स्टेट बोर्ड जो होता है वो, CBSE, ICSE, IB बोर्ड, IGCSE, NIOS और एनी अदर बोर्ड। तो जो भी आपका बोर्ड होगा आपको वो पता है उसका नाम, तो उसके ऊपर आप क्लिक करो। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका SSC बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो देखो ये मैंने 3 क्लिक किए, आपको जो एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से आप क्लिक करो। फिर ये यहाँ पे आपको आना है ना, यहाँ पे आपको देखो सीट नंबर पूछ रहा है, मैंने पहले आपको बोला था सीट नंबर रेडी रखो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीट नंबर एंटर करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये सीट नंबर यहाँ पे सपोज क्लिक कर रहा हूँ, फिर आपको ये जो गेट SSC डेटा इसके ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में ये विंडो ओपन होता है, यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है, यहाँ पे इसको पॉपअप बोलते हैं ना। यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा और यहाँ पे आपके मम्मी का नाम लिखा रहेगा। अगर ये आपका नाम और मम्मी का नाम मैच हो रहा है, बराबर है, करेक्ट है, तो आप ओके दबाओ। अगर नहीं करेक्ट है तो आप कैंसिल दबाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग रॉन्ग सीट नंबर डालते हैं, तो इसकी वजह से रॉन्ग नाम यहाँ पे आएगा। ओके, सो सपोज आपकी ये डिटेल करेक्ट है तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे ओके दबा दो। फिलहाल तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज ये नाम का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पर आपको ओके दबाना है। ओके, तो आपने यहाँ पे सीट नंबर डाला, गेट SSC डेटा किया, फिर एक विंडो पॉपअप हुआ, उसके ऊपर अगर आपके नाम और मम्मी का नाम सही हुआ तो ओके किया। फिर ये जो 3 कॉलम्स है, 1, 2 और 3, ये अपने आप आ जाएंगे कि आपने कौन से मंथ में एग्जाम पास किया है, कौन से ईयर में आपने पास किया है और आपका नाम क्या है, वो पूरा डिटेल आएगा, वो आपको एक बार चेक करना है बराबर है कि नहीं। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पूछ रहा है, और मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ये स्टार मार्क का मतलब है कंपलसरी। ओके, अगर मोबाइल नंबर आप नहीं डालोगे तो आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं होगा, तो आपके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है। ओके, और ऐसा मोबाइल नंबर डालो जो आपका परमानेंट हो, जो आप बार बार चेंज नहीं करते हो। दूसरा, ईमेल आईडी आपको एंटर करना है। ईमेल आईडी आपका ऑप्शनल है, अभी नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट हो सके तो अपने ईमेल आईडी तुम लोग जनरेट करो और वहां पे वो लिख दो। सो मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला, उसके बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है ना। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि इनकेस आप अगर आपका पासवर्ड कभी भूल जाते हो, लॉग इन आईडी कभी भूल जाते हो, तो पासवर्ड रिकवर करने के लिए, लॉग इन आईडी रिकवर करने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है और उसका आंसर आपको लिखना है। तो जब भी आप फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो तभी आप उसको रिकवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट इज योर ग्रैंडफादर नेम, व्हाट इज योर फेवरेट गेम, फिर विच इज योर फेवरेट मूवी, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर फेवरेट टीचर। कोई भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करो, पर ऐसा सिलेक्ट करो जो आपको याद रहे। तो सपोज मैंने सिलेक्ट किया विच इज योर फेवरेट गेम, और यहाँ पे सपोज आंसर फिर आपको लिखना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया उसका आंसर यहाँ पे। तो मैंने अगर सपोज फुटबॉल किया, ऐसा सिंपल सा नाम याद रख, क्वेश्चन याद रखने का और आंसर याद रखने का, क्योंकि वो आपको बाद में यूज हो सकता है और इसको चाहिए तो नोटबुक में लिख के लेने का। फिर बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड इज वेरी एसेंशियल। पासवर्ड कैसा होना चाहिए आपका, 8-15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ओके, मतलब 8 से कम नहीं होने चाहिए और 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके कैरेक्टर, 8-15 के बीच में होने चाहिए, और जिसके अंदर लेटर और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके, नाउ लेटर मतलब कुछ भी डालो आप, ABCD, या आपका नाम डालो, आप पापा का नाम डालो, आपका सरनेम डालो, कोई भी लेटर्स होने चाहिए। जैसे आपका नाम अमोल है तो AMOL, ये आपके लेटर्स हो गए। उसके साथ साथ आपको कुछ नंबर डालने, जैसे कि 1, 2, 3, 4, जो भी आपको नंबर चाहिए, आपका मोबाइल नंबर के कोई भी 5 डिजिट डालो, लास्ट के 4 डिजिट डालो, जैसे भी आपको कॉम्बिनेशन करना है वो आप कर सकते हो। बट याद रखना कि 8-15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ओके, और उसके अंदर लेटर और नंबर दोनों होना चाहिए। सिर्फ लेटर्स डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ नंबर डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ऐसा पासवर्ड डालो जो आपको याद रहेगा, उसको चाहिए तो वापस से आप बुक में लिख के रखो, और अपना पासवर्ड किसी को बताने का नहीं, बिकॉज पासवर्ड अगर आप किसी को बताओगे आपके इन्फॉर्मेशन को वो क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, आपके यहाँ पे डिटेल्स में अगर कुछ वो लोग मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हैं। सो आपका पासवर्ड किसी को बताने का नहीं। ओके,
सेम जो पासवर्ड आपने यहाँ पे क्रिएट किया है वही आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में डालना है, क्योंकि सिस्टम क्या करता है, ये दोनों जब मैच होते हैं तो वो आपका रजिस्ट्रेशन वो आगे प्रोसीड करता है। अगर आपका यहाँ पे और यहाँ पे कुछ मैच नहीं हो रहा है, मतलब आपने यहाँ पे अलग पासवर्ड डाला, यहाँ पे अलग पासवर्ड डाला, सो बी वेरी केयरफुल, दोनों जगह पे आपका सेम पासवर्ड जाना चाहिए। और फिर आपको एक कोड एंटर करना होता है, ये वाला जो कोड है वो इस बॉक्स में आपको एंटर करना रहता है, एग्जैक्टली जैसा है वैसा का वैसा आपको लिखना रहता है। और फिर रजिस्ट्रेशन कर, ये रजिस्टर का बटन क्लिक करना है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन का बटन दबाने के बाद में आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन किया है करके, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे भी जाएगा, ईमेल आईडी पे भी जाएगा, और आपको वो नंबर जो है वो नोट डाउन करके रखना है जो आपको फ्यूचर के लिए यूज होने वाला है आपके एडमिशन के लिए। ओके, तो ये सब था आपके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद में, ये रजिस्टर आपको बटन प्रेस करना है, उसके बाद में फिर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया करके ऐसा स्क्रीन आएगा, और फिर आपको लॉग आउट करके निकल जाना है। फिर 1 अगस्त से आपका जो है वो सेकेंड स्टेज जो है एप्लीकेशन फॉर्म का वो आपका स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन करना फर्स्ट स्टेज हो गया, और इसके बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लिंक है ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, तो आप लोग वहां से ले सकते हो ना। मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको जो कॉमर्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं वीडियोस वगैरह बनाने वाला हूँ, जो वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे पढ़ाई करने के लिए। थ्योरी सब्जेक्ट बेसिकली मैं उसके अंदर कवर करूंगा। मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स सिंप्लीफाइड। ओके, और उसका जो सब्सक्राइब बटन है नीचे वो आपको क्लिक करना है। सब्सक्राइब के साथ साथ आप लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, और आपके फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल की लिंक जो है आप भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे।